प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के इतिहास में पहली बार कुलपति ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को प्रकाशित कर ब्यौरा जारी किया है। कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार सरियाल ने अगस्त 2016 में पदभार ग्रहण किया था और अपने 2 साल के कार्यकाल पूरा करने पर उन्होंने उपलब्धियों की जानकारी प्रदान की है। प्रोफेसर अशोक शर्मा ने कहा कि पदभार ग्रहण करने के बाद से प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ने अनेक क्षेत्रों में अपनी शानदार उपलब्धियां दर्ज करवाई हैं। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और डीम्ड विश्वविद्यालयों की श्रेणी में टॉप 20 में अपना स्थान पाने में सफल रहा है। वहीं एग्रीकल्चर सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में पहली बार दूसरे पायदान पर पहुंचा है और रिकॉर्ड 119 विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताएं परीक्षाओं में सफलता हासिल की है। गौरतलब है कि प्रोफेसर सरियाल ने विश्वविद्यालय के कुलपति बनने के बाद इस संदर्भ में नया प्रयास शुरू किया था और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने की खास योजना बनाई थी। प्रोफेसर सरियाल ने बताया कि पिछले समय के दौरान कृषि विश्वविद्यालय को 16.64 करोड़ की शोध परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जबकि 184 करोड़ की परियोजनाएं मंजूरी के लिए विभिन्न एजेंसियों के पास भेजी गई हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जीरो बजट खेती को प्रोत्साहन देने की कवायद में प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जनवरी में राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में 3 करोड़ की परियोजनाओं के तहत केंद्र की स्थापना का कदम भी उठाया है। कृषि विश्वविद्यालय के 32 में से 13 छात्र इस विषय पर PhD की ओर अग्रसर हैं। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ने पिछले साल गेहूं का 250 क्विंटल ब्रीडेड सीड तैयार किया है, जो कि पहले के मुकाबले 5 गुना अधिक है। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में बीते दिनों नए कर्मचारियों की तैनाती की गई, वहीं लंबित कोर टर्मिनल्स कर्मचारियों का मसला भी सुलझाया गया है। कुलपति ने बताया कि 100 शिक्षक व इतने ही गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती शुरू की गई है। 18 शिक्षकों को नियुक्ति के लिए साक्षात्कार अगले कुछ दिनों में जारी कर दिए जाएंगे। 17,000 से ज्यादा करोड़ रुपए का हम विदेशी मुद्रा अपने अन्न के मदद से आय प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारे हरित क्रांति के संदर्भ में हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे किसानों की और हमारी सरकारों की नीतियां का ही ये बहुत बड़ा योगदान है। पर देखा यह गया है कि हरित क्रांति में रसायनों का, जैसे फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और वीडिसाइड का अत्यधिक प्रयोग हुआ है और उस प्रयोग के फलस्वरूप जो केमिकल्स हमारे खाद्यान्न में उपलब्ध हैं उसकी वजह से बीमारियों की ये कारण बन रहे हैं। और इसी ही प्रश्न का उत्तर वैज्ञानिकों के लिए ढूंढना है कि वास्तव में ये रसायनिकों के द्वारा है, या अगर रसायनिकों के द्वारा है तो इसका कोई अल्टरनेटिव है, और उस अल्टरनेटिव को मद्देनजर रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने जीरो लागत, शून्य लागत प्राकृतिक खेती पे एक 25 करोड़ की परियोजना आरंभ की है। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय 25 करोड़ की हिमाचल सरकार ने, और हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने भी इसी के अंतर्गत 29 जनवरी 2018 को माननीय महामहिम राज्यपाल एवं चांसलर हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर आचार्य देवव्रत जी की उपस्थिति में और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की उपस्थिति में 3 करोड़ रुपए की परियोजना से संचालित शून्य लागत प्रकृति खेती के केंद्र का शिलान्यास रखा गया और उद्घाटन किया गया। विश्वविद्यालय शून्य लागत प्रकृति खेती के संदर्भ में यहाँ रसायन रहित प्रयोग शुरू किए हैं।